वीडियो के इस पार्ट में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से रिलेटेड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का स्टडी करेंगे। देखिए बोर्ड पर जो है ये जो है न्यूमेरिकल जो है लिखा हुआ है, इसको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। देखिए एक्चुअल में इसके जो स्टेटमेंट जो है गिवेन है, उस स्टेटमेंट से हम लोग क्या करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। और जब दो लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा तो उसको जो है एलिमिनेशन मेथड या किसी भी मेथड से सॉल्व करके हम लोग एक्स वाई की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, ए टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेज। देखिए इसका मतलब समझिए, एक्चुअल में जो सिटी में जो टैक्सी चलती हैं उसका एक फिक्स्ड चार्ज होता है, फिक्स्ड चार्ज। उसके बाद जो एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। देखिए पहले इसके बारे में जानिए, एक्चुअल में जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो अपना एक फिक्स चार्ज रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए वो फिक्स चार्ज सारे डिस्टेंस के लिए सेम होता है। इसके अलावा आप जो है जितना डिस्टेंस कवर करेंगे तो डिस्टेंस का चार्ज अलग होता है, और जो फिक्स चार्ज और जो डिस्टेंस कवर किया हुआ चार्ज का कॉस्ट आता है वह दोनों ऐड करके जो है आपसे टैक्सी ड्राइवर फेयर लेता है। तो यही बात इस स्टेटमेंट में कही गई है कि टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेज एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। देखिए फर्स्ट जो है कंडीशन क्या दे रहा है, इफ ए पर्सन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर ही पे रूपी 960 एंड फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर ही पे रूपी 1260 रूपी। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेज एंड द रेट पर किलोमीटर। तो बहुत इजी है, देखिए एक्चुअल में बात समझिए, सपोज जो है सपोज करिए कि फिक्स्ड चार्ज देखिए बी रूपी एक्स मान लीजिए फिक्स्ड चार्ज जो है एक्स रूपी है, एंड जो है अदर चार्जेज बी रूपी वाई रूपी ध्यान दीजिए वाई रूपी पर किलोमीटर। देखिए ये तो फिक्स चार्ज है, बट ये जो वाई रूपी है ये पर किलोमीटर पर डिपेंड है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या जो है ये स्टेटमेंट बोला कि देखिए इफ ए पर्सन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1 किलोमीटर का चार्ज है वाई रूपी, तो 60 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, 60y। इसका मतलब देखिए एक्चुअल में ये जो फिक्स चार्ज है वो तो टैक्सी ड्राइवर लेगा ही लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स प्लस, देखिए ये जो अदर चार्जेज है ये जैसे पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर
इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रूपी, तो 60 किलोमीटर का 60y, तो ये हो गया 60y। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पर्सन को, उस पर्सन को x जो रूपी फिक्स चार्ज है वो देना पड़ेगा, और प्लस 60y 60 किलोमीटर रनिंग किया उसका देना पड़ेगा। ये दोनों चार्ज का वैल्यू जो है ही पे रूपी 960। तो देखिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है फाइंड आउट हो गया। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए, फॉर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर, इसका मतलब देखिए, जब वह 80 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो इट मींस 80y रूपी उसको देना पड़ेगा और फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा। इसका मतलब x प्लस 80y इक्वल टू, देखिए तो इस बार उसने ही पे रूपी 1260। देखिए ध्यान दीजिए भाई, देखिए इस बार उसने जो है 80 किलोमीटर ट्रेवलिंग किया, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर का रेट है वाई रूपी, तो 80 किलोमीटर का 80y, और जो फिक्स चार्ज है वो तो ऐड होगा ही, तो x प्लस 80y इक्वल टू, अच्छा पे कितना किया था, देखिए 1260। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे दोनों। देखिए ये जो टू इक्वेशंस हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेकंड इक्वेशंस है ये x प्लस 80y इक्वल टू 1260। देखिए अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसमें पूछा हुआ है फाइंड द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज x एंड द रेट पर किलोमीटर, इसका मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करें, देखिए x जो है कैंसिल हो जाएगा, यहां पर x कैंसिल हो जाएगा, कब, जब सबस्ट्रैक्ट कर दें, सबस्ट्रैक्ट अगर कर दें तो यहां माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो देखिए 60 यहाँ 80 और 60 है, तो यहाँ माइनस 80 और यहाँ प्लस 60, तो माइनस 20y इक्वल टू, देखिए अब ध्यान दीजिए, एक्चुअल में माइनस 1260 एंड प्लस 960, तो ये दोनों क्या होंगे, सबस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस, देखिए ध्यान दीजिए, ये इसमें से ये सबस्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा, देखिए 300, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए वाई इक्वल टू 300/20, तो जीरो से जीरो कैंसिल, इट मींस 15 रूपी, तो वाई की वैल्यू कितना आ गया, 15 रूपी। इसका मतलब जो है वाई का वैल्यू जो 15 रूपी आया है वो क्या है, 15 रूपी पर किलोमीटर। अब देखिए किसी भी इक्वेशन में आप क्या करिए, y का वैल्यू पुट अप करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 60y इक्वल टू 960, इसमें जो है देखिए x प्लस, ध्यान दीजिए ये y के प्लेस ये जो है 60 इंटू 15 हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, एक्चुअल में y के प्लेस पर 15 पुट अप कर देंगे एंड इक्वल टू 960। देखिए अब ध्यान दीजिए, एक्चुअल में x प्लस 15 इंटू 60 ये हो जाएगा 900 इक्वल टू 960। तो देखिए x इक्वल टू 960 माइनस 900, तो x इक्वल टू
60 रुपी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आप लोग लिख देंगे फिक्स्ड चार्ज बी देखिए 60 रुपी एंड अदर चार्जेज बी 15 रुपी पर किलोमीटर। भाई आंसर इस तरह से आप नीचे लिखेंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए, फिक्स्ड चार्ज बी रुपी देखिए 60 रुपी एंड अदर चार्जेज बी रुपी 15 पर किलोमीटर। तो इस तरह आपका जो है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट हो गया और आंसर को आप क्या करेंगे नोट डाउन कर देंगे। तो देखिए इस पहला जो प्रॉब्लम था हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है, ध्यान दीजिए, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या है, कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है, टू पर्सन है, उनका मंथली इनकम, देखिए बात समझिए, इनकम देखिए दो बातें करेगा अब, इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो जो है 8:7 है। चलिए इनकम देखिए, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 8:7, देयर एक्सपेंडिचर, देखिए उन लोगों का जो एक्सपेंडिचर है, बात को समझिए, एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर जो ए बी का है उसका रेशियो 19:16 है। इफ ईच सेव्स रूपी 5,000 पर मंथ। इसका मतलब देखिए इनकम भी आपको पता है और एक्सपेंडिचर भी पता है और सेविंग भी, कहता है कि जो प्रत्येक जो है 5,000 पर मंथ सेव कर रहे हैं, तो फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, ओनली मंथली इनकम पूछा है। देखिए ध्यान दीजिए, मंथली इनकम को आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सेविंग कितना है, ध्यान दीजिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, सेविंग जो है 5,000 रुपी पर मंथ है, 5,000 रुपी पर मंथ और दोनों का, लेकिन ध्यान दीजिए दोनों ए और बी दोनों का, ऐसा नहीं है कि ए का है, पर मंथ दोनों का सेविंग है, ए एंड बी का सेविंग है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग देखिए एक्चुअल में क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट, देखिए लिख रहा हूं, लेट द मंथली इनकम, मंथली देखिए मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, बात समझिए, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी ई बी बी बी, देखिए सपोज करिए इसका मंथली इनकम 8x है तो इसका मंथली इनकम 7x हो जाएगा। भाई देखिए लेट द मंथली इनकम, मंथली इनकम, यहां इनकम, लेट द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी बी 8x एंड 7x, बात समझिए, रिस्पेक्टिवली ध्यान दीजिए, एक्चुअल में जो है हमने इसको सपोज कर लिया, इसके अलावा फिर जो है लेट द मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर ध्यान दीजिए, एक्सपेंडिचर बी बी 19y, देखिए 19 एक्सपेंडिचर को मैं y मान रहा हूं, 19y एंड 16y रिस्पेक्टिवली। अब देख लीजिए हमने जो है मंथली इनकम को 8x a का तो b का 7x हो जाएगा,
देखिए इनकम का रेशियो 8:7 था, तो इसका अगर 8x है तो इसका 7x हो जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर ए का 19y है तो बी का 16y हो जाएगा। अच्छा देखिए एक बात आपको पता है, सबको पता है कि जो है इनकम में से एक्सपेंडिचर जो है सबस्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिलता है, सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा तो सेविंग पता चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, एट एक्स क्या है, इनकम है ए का इनकम, देखिए ए का इनकम एट एक्स है और एक्सपेंडिचर उसका देखिए 19y है, तो माइनस 19y कर दिया जाए तो सेविंग पता चल जाएगा 5000। देख लीजिए भाई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, ये आपका ए का पता चल गया। अब जो है ध्यान दीजिए, एक्चुअल में बी का जो है 7x इसका क्या है, इनकम है, और एक्सपेंडिचर इसका 16y है, 16y इक्वल टू 5000। देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए एक्चुअल में आपको फाइंड द मंथली इनकम, बस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मंथली इनकम पता चल जाएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो बी का भी मंथली इनकम पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए एक्चुअल में ये वाई को हम लोग कैंसिल कर दें, देखिए एक्चुअल में हम जब वाई को कैंसिल करना है तो इक्वेशन नंबर 1 में जो है 16 का मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 2 में 19 का मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए ये जो है जब इसमें 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 × 8 तो 128x माइनस, अब देखिए 16 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 304y। अच्छा 16 में 5000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 80000। बहुत इजी प्रॉब्लम है। अच्छा ये जो है 19 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 133x माइनस 19 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 304y इक्वल टू 19 में 5000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 95000। अब क्या करिए, देखिए ध्यान दीजिए, एक्चुअल में यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए तो यहां पर जो है माइनस 133x और यहां पर प्लस 128x तो सबस्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 5x, यहां पर क्या आ जाएगा देखिए ध्यान दीजिए, माइनस 5x इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या होगा 95000 माइनस में है, 80000 प्लस में है तो ये सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 15000 माइनस 15000। जरा ध्यान दीजिए यहां पर माइनस ज्यादा भाई, देखिए 95000 अधिक है तो माइनस में वैल्यू आएगी तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखिए एक्स इक्वल टू, बात को समझिए, 15000 अपॉन 5 तो दैट इज इक्वल टू 3000। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 3000। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए अभी आपका आंसर नहीं फाइंड आउट हुआ है तो लिखा जाएगा मंथली इनकम ऑफ ए
इक्वल टू 8 इंटू, देखिए 8x है ना, 8x तो 8 इंटू 3000 तो ये क्या हो गया आपका 24000। देखिए ए का मंथली इनकम हमारा क्या हो गया 24000। अब जो है लिखा जाएगा मंथली इनकम ऑफ बी इक्वल टू 7x, तो दैट इज 7 इंटू 3000 तो दैट इज 21000। तो ये है आपका मंथली इनकम ऑफ ए एंड मंथली इनकम ऑफ बी। तो इस तरह से ये जो है हमारा न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो गया। देखिए जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और जो टू लीनियर इक्वेशन बनेंगे उसके बाद सॉल्व तो आप आराम से कर लेंगे, बट अगर लीनियर इक्वेशन बनाने में मिस्टेक हो गया तो आपका प्रॉब्लम मतलब रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए लीनियर इक्वेशन को बहुत ही ध्यान से बनाना सीखिए। इस पार्ट में बस इतना ही, अगले पार्ट में और भी वर्ड प्रॉब्लम आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।